शहर में भीड़ बढ़ गई है धूप का मौसम होने के कारण। यात्री छाया चाहते हैं, ठंड के मौसम में घूमना चाहते हैं। ये क्या सफर है, कितनी धूप है और कितनी छांव चाहिए? अपने सवालों के जवाब पाने के लिए आपको ये कहानी देखनी होगी। जब शहर में सूरज तपता है तो यात्री मेट्रो की ओर देखते हैं, इससे मेट्रो में भीड़ बढ़ गई है। हैदराबाद मेट्रो ने रिकॉर्ड तोड़ा है। मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक और गर्मी के मौसम में हर किसी की नजर मेट्रो की ओर है। इसी क्रम में सभी मेट्रो स्टेशनों पर भीड़ रही है। नागौल से राय दुर्गम मार्ग पर यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नागौल स्टेशन हालांकि भरा हुआ है, स्टेशन खचाखच भरे हुए हैं। यात्री सीढ़ियों तक खड़े हैं। हर 5 मिनट में सुबह के समय एक ट्रेन चलती है। अधिकारियों का कहना है, नागौल और अमीरपेट रेलवे स्टेशनों की स्थिति देखे तो प्रति मिनट एक ट्रेन चलने पर भी यात्रियों की संख्या कम नहीं होगी। गर्मी की शुरुआत के बाद से मेट्रो ने सेवाओं की संख्या में वृद्धि की है। हालांकि भागदौड़ जारी है, खासतौर पर वे जो नागौल, एलबी नगर, दिलसुख नगर, कुक्कड़पल्ली इलाकों से नौकरी और कारोबारों के लिए दूर दराज के इलाकों में जाते हैं। इससे ट्रैफिक काफी बढ़ गया है। उल्लेखनीय है, हैदराबाद मेट्रो अब ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं जो मुंबई और जापान में नियमित रूप से देखे जाते हैं। हाल ही में जब मेट्रो शुरू हुई, लोग देखने आए कि यह कैसे है। उल्लेखनीय है, नियमित दिनों में फिर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। कोरोना काल में पीक में रोजाना यात्रियों की संख्या 3 लाख के पार चली गई, फिर अब अनुमान है यह 4 लाख तक पहुंच गया है। अनुमान है गर्मी के दिनों में रोजाना 5 लाख तक लोग मेट्रो में सफर कर रहे हैं। मौजूदा समय में मेट्रो स्टेशनों में भीड़भाड़ की वजह से स्थिति पैदा हो गई है और सेवाएं बढ़ानी पड़ रही है। अब देखना यह होगा मेट्रो अथॉरिटी इस बारे में क्या फैसला लेती है। साथ ही हम चाहते हैं अधिकारी सेवाओं को बढ़ाने और यात्रियों को राहत देने के लिए निर्णय लें। तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम TSRTC ने सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक अभिनव कार्यक्रम शुरू किया है। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तेलंगाना के गांव में बस अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। यात्रियों की सुविधा के लिए प्रदान किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की व्याख्या करके TSRTC ने ग्रामीण बस अधिकारियों की प्रणाली को लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए डिजाइन किया है। TSRTC के MD VC सजनार IPS ने ग्राम बस अधिकारियों की नियुक्ति और उनके कर्तव्यों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द बस अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया। गाइडलाइन में कहा गया है कि 1 मई से प्रदेश भर में बस अधिकारियों की यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। डिपो मैनेजर कंपनी के कंडक्टरों, ड्राइवरों और गांवों में रहने वाले अन्य कर्मचारियों को ग्राम बस अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं। भर्ती में लोगों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखे स्वेच्छा से कार्य करने के लिए आगे आने वालों को वरीयता दी जाएगी। एक बड़े गांव में एक बस अधिकारी होता है। यदि यह छोटा है तो 2 या 3 गाँव के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है। इन गाइडलाइंस के मुताबिक 1 को 5 से ज्यादा गाँव आवंटित नहीं किए जा सकते। हैदराबाद सहित अन्य नगर पालिकाओं में डिपो प्रबंधकों द्वारा वार्ड को बस ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है। वे संबंधित वार्डों में ग्राम बस अधिकारियों की तरह काम करते हैं। ग्राम बस अधिकारी लगातार ग्रामीणों के संपर्क में है। इस बस के अधिकारी 15 दिन में एक बार ग्रामीणों से मिलते हैं। यह बस के आगमन समय, नए मार्गों, नई सेवाओं, समस्याओं आदि के बारे में जानकारी एकत्र करता है। इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी जाएगी। वे गांव में होने वाले विवाहों, शुभ आयोजनों और मेलों का विवरण एकत्र करते हैं। अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो बस के फेरे उसी हिसाब से बढ़ाए जाएंगे। वे यह भी समझाते हैं कि वे शादियों और शुभ कार्यों के लिए अपनी किराए की बसों का उपयोग करते हैं। लोगों को निजी वाहनों से जाने पर होने वाले दुर्भाग्य के बारे में बताया जाता है। बस अधिकारी ग्राम प्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों,
समुदाय के नेताओं, द्वारका समूह के सदस्यों के साथ साथ पंचर हाल प्रबंधकों से संपर्क करेंगे। उन्हें उनके सेलफोन नंबर दिए गए हैं। TSRTC कार्यक्रमों को सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के साथ समझाया जाएगा। स्थानीय डिपो प्रबंधक प्रत्येक ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर संबंधित ग्राम बस अधिकारी का विवरण अंकित करेगा। इसमें बस अधिकारी का नाम और फोन नंबर होता है। ग्राम बस अधिकारी को सलाह दी जाती है कि अपने गांव में आने वाली बसों से संबंधित किसी भी समस्या, शिकायत, रियायती योजनाओं के साथ साथ शादियों और शुभ कार्यों के लिए बसों को किराए पर लेने के लिए ग्राम बस अधिकारी से संपर्क करें। इसके अलावा प्रत्येक ग्राम सरपंच को पत्र के रूप में उनके ग्राम बस अधिकारी के विवरण के बारे में सूचित किया जाएगा। उस अधिकारी की सेवाओं का उपयोग करने का अनुरोध किया जाता है। TSRTC ने अच्छा प्रदर्शन करने वाले ग्रामीण बस अधिकारियों को बढ़ावा देने का फैसला किया है। हर 3 महीने में अच्छा प्रदर्शन करने वाले को बेस्ट विलेज बस ऑफिसर अवार्ड दिया जाएगा। यह दृष्टिकोण सभी को अच्छा काम करने की अनुमति देता है। गांव में सेवाओं को लेकर कोई समस्या हो तो अभी डिपो प्रबंधकों से संपर्क किया जाए। उन्होंने याद दिलाया है कि डिपो कई गांवों से दूर है। वह अच्छे कामों के लिए चार्टर्ड बसें बुक करने जाना था। ग्राम बस अधिकारी प्रणाली के साथ वह समस्या अब मौजूद नहीं है। लोग हर समस्या को अपने ध्यान में ला सकते हैं। लोगों की जरूरत बताई जा सकती है। ये अधिकारी जनता और TSRTC के बीच संपर्क का काम करते हैं। वर्तमान में TSRTC पूरे तेलंगाना में लगभग 10,000 गांवों में बस सुविधा प्रदान कर रही है। TSRTC ने संबंधित गांव में 2,000 से अधिक ग्राम बस अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। संस्था द्वारा लाए गए कार्यक्रम को लोगों ने खूब सराहा है। वे ग्रामीण बस अधिकारियों की प्रणाली का उपयोग और प्रोत्साहन करना चाहते हैं। तेलंगाना राज्य बनने के बाद सत्ता से बाहर हो चुकी कांग्रेस पार्टी अपनी आंतरिक खामियों को दूर कर आगामी चुनाव में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है। कितने ही झटके अगर कोई पार्टी है जो अब तक नहीं बदली है तो कहना पड़ेगा कि वह सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी है। तेलंगाना में जब उस पार्टी का वजूद ही सवालों के घेरे में है तो कांग्रेस नेताओं की कोशिश देखिए। अगर आप उनके बर्ताव के तरीके को देखें, जैसे कि पार्टी से ज्यादा उनके पद महत्वपूर्ण है, तो आपको चौंकना होगा। कठिन समय में पार्टी की स्थिति सुधारने के उपाय करने के बजाय समूह द्वारा किए गए प्रयासों को समूह में विभाजित कर दिया जाता है। मालूम हो कि तेलंगाना में कभी न रुकने वाली कांग्रेस की आज दुर्दशा हो गई है। एक बार फिर कांग्रेस में वर्ग भेद सामने आ गया है। बेरोजगारी विरोध सभा छिड़ गई। मालूम हो कि कांग्रेस पार्टी ने राज्य में बेरोजगारी विरोध की योजना बनाई है और उसी के हिस्से में रूप में यह घोषणा की गई है कि 21 अप्रैल को नालगोंडा महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में एक बैठक होगी। यही ये असली विवाद शुरू हुआ। बताया जाता है कि क्षेत्र के वरिष्ठ नेता ने इस बात पर अधीरता व्यक्त की है कि वे उन्हें बिना कोई सूचना दिए बैठक की घोषणा कैसे कर सकते हैं और इस मामले पर अपनी पार्टी के राज्य मामलों के प्रभारी से शिकायत की है। साथ ही PCC प्रमुख पहले से ही उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वह मनमाने फैसले ले रहे हैं और पिछली मंचाचार सभा में भी कुछ नेताओं की PCC प्रमुख से अनबन हुई है। PCC प्रमुख के नलगोंडा जिले के संयुक्त नेता से भी संबंध खत्म हो गया है। इसी पृष्ठभूमि में यह ताजा मामला चर्चा का एक विषय बना हुआ है। हालांकि PCC प्रमुख पार्टी की आंतरिक चर्चाओं में कहते रहे हैं कि वह एक तरफा फैसले नहीं लेते हैं, लेकिन उनके व्यवसायी गुट के नेता टिप्पणी कर रहे हैं कि वास्तविक स्थिति अलग है और इसी के अलावा वे पदयात्राओं में नेताओं के रूप में कार्य करते हैं। जहाँ TPCC अध्यक्ष पदयात्रा कर रहे हैं, वही CLP नेता भट्टी विक्रमार्क जिन्होंने पीपल्स मार्च नाम से शुरुआत की थी, एक और यात्रा जारी रखे हुए हैं। आरो नहीं चुनू नहीं बेटे का नाम सोमलिंगम है।
तेलंगाना राज्य में पार्टी के सत्ता में आने पर मुख्यमंत्री कौन होगा और इसी पर कांग्रेस में पहले से ही बहस चल रही है। तेलंगाना कांग्रेस में एक स्थिति देखी जा रही है जहां बड़े पैमाने पर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए कतारें लग रही है। आंतरिक लोकतंत्र स्वतंत्रता वाली पार्टी है, यह शेख ही बघारते हुए नेतृत्व को यह मानना चाहिए कि आंतरिक लोकतंत्र की आड़ में अनुशासन को भूलकर मंडली के किले में कदम रखने वाले नेताओं की हरकतें पार्टी की मदद कर रही है और किसी भी कार्रवाई का समर्थन नहीं करेगी जिससे नुकसान हो, पार्टी से अमल में लाना चाहिए। हैरानी की बात है कि कांग्रेस में कई वरिष्ठ नेता खुद को सीएम की दौड़ में होने का प्रचार कर रहे हैं और पहले से ही कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता अन्य दलों के प्लान कर रहे हैं और कुछ वरिष्ठ अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं और पार्टी के कार्यक्रमों से दूर रहकर विवादित बयान दे रहे हैं। पार्टी लाइन को भ्रमित किया जा रहा है। भले ही फंसे हुए कबूतर पुराने कबूतर के शब्दों को दोष देते हैं, चित्रग्रीव नेता साहस लेता है और उन्हें गलती के लिए सामूहिक जिम्मेदारी लेने की सलाह देता है और सभी कबूतरों को टेकुआ से मुक्त करता है। कांग्रेस बच जाएगी यदि वे इस कहानी की नैतिकता को समझे और प्रेरित हो और एकजुट होकर जीत के लिए लड़े, नहीं तो मिट जाएगा। वरिष्ठों और कनिष्ठों से अहंकार को छोड़कर नेता के रूप में नियुक्त व्यक्ति को सम्मान देते हुए यदि वे अनुभवहीनता के कारण गलतियां करता है तो उन्हें एक अनुभवी नेता द्वारा सुधार जाना चाहिए, पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए। एक नेता को कभी कभी सलाह के लिए अनुभवी लोगों की सेवाएं लेनी चाहिए। चुनाव के लिए पार्टी की प्रभावी ढंग से तैयार करना चाहिए। नेताओं की कार्यशैली को परे ढकेली जीत की रणनीतियों को धार दे, सरकार की नाकामियों के सुखाए और सत्ता में आने पर जनता के लिए प्रचार शुरू करें, यही सफलता की पहली सीढ़ी है। YSRTP के अध्यक्ष YS शर्मिला ने ये कहा है कि जब पुरुष पुलिसकर्मियों ने उन्हें छूने की कोशिश की तो उन्होंने केवल आत्मरक्षा के लिए उन्हें धक्का दिया है। शर्मिला से पूछा है कि उन्हें धमकी देने वाले वीडियो सामने क्यों नहीं आए हैं। KCR का शासन अफगान शासन नहीं है। उन्होंने टिप्पणी की है कि भले ही वह YSR के बच्चे को पिंजरे में रखते हैं फिर भी वह एक बाघ है। पुलिस से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार YSRTP प्रमुख YS शर्मिला को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। चंचलगुड़ा जेल से बाहर आने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सीएम KCR और पुलिस के व्यवहार पर आरोप लगाए। शर्मिला ने घोषणा की कि KCR भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि जब पुरुष पुलिसकर्मियों ने उन्हें छूने की कोशिश की तो उन्होंने आत्मरक्षा में उन्हें धक्का दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ दो महिला पुलिस अधिकारी हैं, क्या महिला पुलिस अधिकारी इतना बुरा बर्ताव करती हैं? क्या प्रशासन KCR से वाकिफ है? क्या सीएम KCR कभी सचिवालय गए हैं? KCR ने किन वादों पर अमल किया? शर्मिला ने आलोचना की है कि KCR ने कई वादों की धज्जियां उड़ाई हैं। उन्होंने कहा है कि KCR भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं कर सकते। शर्मिला ने KCR उनकी बेटियों और बेटे का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और क्या SIT में अपील दायर करना अपराध है? KCR के शासन को अफगान शासन के अलावा और क्या कहा जाना चाहिए? शर्मिला ने पूछा है। शर्मिला ने कहा कि पुरुष पुलिस ने उन्हें छूने की कोशिश की, वह गुस्से में था कि अगर उसने हमला किया और उसका दम घुट गया तो क्या किया जाए। शर्मिला ने कहा कि महिला पुलिस ने उनका हाथ तोड़ने की कोशिश की, उन्होंने अफगान शासन नहीं KCR के शासन पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा के लिए पुरुष पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की की गई। शर्मिला ने सवाल किया कि उन्हें धमकी देने वाले मीडिया सामने क्यों नहीं आई है। ये रहा राजशेखर रेड्डी का बच्चा। शर्मिला ने चेताया कि हथेली पर थप्पड़ से नहीं डरोगे। इससे पहले शर्मिला की मुलाकात के जरिए चंचलगुड़ा जेल में उनकी मां YS विजयम्मा से मुलाकात हुई थी और शर्मिला ने कमेंट किया था कि वह ऐसी शख्सियत नहीं है जो इस तरह की चीजों से डरती है। साफ है कि शर्मिला जनता के लिए लड़ने आई है और एक लड़की 3800 किलोमीटर चल चुकी है।
वह सरकार के सामने जनता की ओर से खड़ी है, इसलिए उसे चुप करा दिया गया और जेल में डाल दिया गया। शर्मिला को घर से बाहर जाने की भी आजादी नहीं है। पुलिस ने जोश दिखाया है कि वहां 10 लोग भी नहीं हैं। विजय मां भड़क उठी। शर्मिला इस बात से नाराज थी कि उसकी मां विजय मां का भी इलाज उसकी मर्जी से मुताबिक नहीं किया, और जिन्होंने कहा कि सीएम केसीआर ने ही राजशेखर रेड्डी की पत्नी को प्रताड़ित किया था और केसीआर ने ही राजशेखर रेड्डी की बेटी को जेल में डाला था। शर्मिला ने कहा कि केसीआर को याद कीजिए, उन्हें इतना अनुभव होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस के पास उन्हें गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं था और वह इंदिरा पार्क में भूख हड़ताल पर थे। उन्होंने कहा है कि उन्होंने ही तेलंगाना में बेरोजगारों की ओर से लड़ाई लड़ी थी और उनके संघर्ष के कारण ही नौकरी की अधिसूचना आई है। निम्स हॉस्पिटल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा बढ़ता ही जाएगा। राज्य सरकार निम्स के विकास के लिए कदम उठाई और सरकार ने निम्स पर एक विशेष ध्यान दिया है जो गरीबों के लिए सुलभ है। क्या सुधार सुधार कहते हैं चाहते हैं, मुझे हाँ कहना है। नीम्स अस्पताल गरीबों का अस्पताल बनने जा रहा है, सरकार दवा पर फोकस करने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने कहा है कि राज्य सरकार ने नीम्स का व्यापक विस्तार करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर के हाथों नीम्स के विस्तार का काम जल्द शुरू होगा। पता चला है कि कुल 33 एकड़ में नीम्स का विस्तारीकरण कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि 2000 बिस्तरों की क्षमता वाले 3 नए ब्लॉक बनाए जाएंगे। बताया जाता है कि ओपी आईपी और आपातकालीन सेवाओं के लिए विशेष ब्लॉक बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि गच्चीबौली सनतनगर अलवाल और एलबी नगर में बनने वाले टीम्स के साथ वारंगल हेल्थ सिटी के निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाएगी। सीएम केसीआर ने खुलासा किया है कि राज्य के लोगों को सुपर स्पेशलिटी सेवाएं प्रदान करने के लिए 4 टीआईएम अस्पतालों और एनआईएमएस का विस्तार किया जाएगा, इससे 6000 और बिस्तर उपलब्ध होंगे। ट्रामा केयर सेंटरों को कॉरपोरेट स्तर पर मजबूत किया जाएगा। डॉक्टरों ने कहा है कि वर्तमान में नीम्स को प्रतिदिन औसतन 2000 से 3000 ओपी मिलते हैं, यह वर्तमान निर्माण क्षमता के लिए बहुत अधिक है। उन्होंने कहा है कि इसके साथ ही नए भवन में ओपी सेवाओं के लिए ब्लॉक बनाया जाएगा। भविष्य में बढ़ते यातायात एवं विशिष्ट सेवाओं के विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए 8 मंजिलों पर ओपी ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा। नीम्स राज्य भर में आपातकालीन मामलों के लिए एक कैफे है। इसमें इमरजेंसी विभाग में बेड की समस्या हमेशा बनी रहती है। विस्तार के हिस्से के रूप में विशेष रूप में आपातकालीन सेवाओं के लिए 8 मंजिला ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है। भर्ती मरीजों के लिए 13 मंजिलों वाला एक और ब्लॉक बनाया जाएगा। नए भवन में कुल 30 ऑपरेशन थिएटर होंगे। पता चला है कि जहां 2000 बेड उपलब्ध कराए जा रहे हैं उन सभी में ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी। उपलब्ध बिस्तरों में 1200 ऑक्सीजन बिस्तर और 500 आईसीयू बिस्तर शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि पेइंग रूम होंगे। उन्होंने कहा है कि नए पेइंग रूम सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए 300 कमरे आवंटित किए जाएंगे। वर्तमान में नीम्स में 30 विभाग सेवाएं दे रहे हैं। 200 बिस्तरों वाला सुपर एमसीएच नीम्स के बिस्तर के लिए अतिरिक्त 200 बिस्तरों के साथ एक सुपर स्पेशलिटी एमसीएच का निर्माण किया जाएगा। हरीश राव ने हाल ही में इन कार्यों का शिलान्यास किया था। वर्तमान में नीम्स में स्त्री रोग विभाग की सेवाएं नहीं मिल रही है, जन्म भी नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एमसीएच के निर्माण से इन विभागों में सुपर स्पेशलिटी सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। एमसीएच के निर्माण पर 55 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यहां 4 मंजिलों पर बनेगा। मंत्री ने खुलासा किया है कि भविष्य में इसे बढ़ाकर 8 मंजिला करने और एक ब्लॉक के रूप में स्थापित करने की उम्मीद है।
नीम्स में वर्तमान में 1489 बिस्तर और 2000 अतिरिक्त बिस्तर है। कुल 3489 बिस्तर उपलब्ध होंगे, जबकि इसके लिए आवंटित क्षेत्र 33 एकड़ है। इसे 1571 करोड़ की परियोजना लागत से स्थापित किया गया है, लेकिन 1200 ऑक्सीजन बेड, 300 पेइंग रूम, 500 आईसीयू बेड और कुल 2000 बेड उपलब्ध कराए जाएंगे। हम चाहते हैं कि विस्तार का काम तुरंत शुरू हो। हम नए बने ब्लॉक को जल्द से जल्द लोगों को उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाना चाहते हैं। ग्रेटर हैदराबाद में जाली नोट गिरोह का पर्दाफाश। साइबराबाद पुलिस ने 13 आरोपियों के एक अंतर्राज्यीय गिरोह को सलाखों के पीछे डाल दिया है। आरोपियों के पास से 30,68,000 रुपए नकली करेंसी, 60,000 रुपए मल नकद और 13 मोबाइल फोन बरामद किए गए। साइबराबाद सीपी स्टीफन रविंद्र ने बताया कि मुख्य आरोपी राजेश ने के खिलाफ बंजारा हिल्स थाने में मामला दर्ज किया गया था और उन्होंने कहा है कि यह गिरोह 4 राज्यों में अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि चेन्नई, बैंगलोर और तेलंगाना में कुछ जगहों से नकली नोट लाए जा रहे हैं और राजेश और नीलदास ने बताया कि वे 1,00,000 के बदले 5,00,000 रुपए के नकली नोट लाते थे और बताया जाता है कि राजेश और नीलदास 1,00,000 के बदले 3,00,000 के नकली नोट कई शहरों में सप्लाई करते थे। कहा जाता है कि ये नकली नोट केवल रात में चलाते थे, सुबह के समय नहीं। सीपी स्टीफन रविंद्र ने यह भी बताया कि मिली जानकारी के आधार पर 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नकली नोटों का आदान प्रदान करने वाले इस अंतर्राज्यीय गिरोह के निशाने पर शराब गिरवी रखने वाली दुकानें और खुदरा दुकानें हैं। उन्होंने कहा है कि वे उन मासूम लोगों को निशाना बनाकर नकली नोट चलाते थे जो पढ़ाई नहीं कर पाते थे। सिटी फोकस में आज बस इतना ही। हमें दी इजाजत, हम फिर मिलेंगे सिटी फोकस के साथ।